हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं फिर आज हूँ एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर। जैसे कई लोगों ने कमेंट किया था कि हम फाउंडेशन कैसे लगाएं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में दिखाने वाली हूँ। फाउंडेशन से जुड़े कुछ टिप जान लो आप लोग, आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो सबसे पहले आप जान लो, जब भी आप मेकअप करते हो, अच्छा वाला मेकअप, पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप, जो भी अच्छा एचडी मेकअप करना चाहते हो, तो आपको अपने फेस को एकदम साफ रखना होगा। तो जिनके ज्यादा ही बड़े हेयर है ना फेस पे, तो वो अपने फेस के हेयर्स को रिमूव कर लें, उनको वैक्स कर लें, उसके बाद ही अपने फेस पे करें। उससे अच्छा मेकअप और भी अच्छा फ्लॉलेस दिखेगा। नहीं तो अगर आपके यहाँ बाल वगैरह होंगे यहाँ वहाँ फेस पे कहीं भी, तो जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो बाल दिखेंगे और वहां से फाउंडेशन चिपकेगा नहीं, ढंग से उखड़ा उखड़ा लगेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आपका फेस ना एकदम चिकना होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, तब आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को केयर करना होता है, तो केयर के लिए सीरम करना बहुत जरूरी है। आ सकते हैं मॉइस्चराइजर के लिए, आप कोई भी क्रीम ले लो जो ऑयली हो, 10 रुपए वाला मॉइस्चराइजर भी ले लो भाई, बट ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना अच्छा ये क्रीम करेगी, या फिर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर 200 के अकॉर्डिंग अच्छे मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे आपको, या फिर निविया का मॉइस्चराइजर ले लो। तो मेरे पास ये गुड बाय, इस तरह से हमें ले लेना है, पूरे फेस पे इस तरह से लगा लेना है। जो भी हम फेस पे लगा रहे हैं ना, इन दोनों चीजों को भी लगाना है। अब बारी आती है सीरम की, इसके बाद सीरम लगाना चाहिए, बट गर्मी का टाइम है तो कुछ लोगों की ऑयली स्किन होगी तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल फ्री सीरम भी आते हैं, बस ये ऑयल फ्री होना चाहिए। तो ऑयल फ्री ये रहा, अगर ये नहीं है सीरम आपके पास तो इसको अवॉइड कर दो, स्किप है तो लगाओ, नहीं तो कोई वो नहीं है। हल्का सा फ्लॉलेस लुक चाहिए ना, 3-3, 4-4 मिनट का टाइम देना चाहिए हमें। ये नहीं है कि ये उठाया ये लगा लिया, ये उठा लिया ये लगा, ये सीरम हो गया हमारा। उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो है प्राइमर। प्राइमर हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा सा मेकअप लुक चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप लॉन्ग स्टे रहे, टिके रहे, और गर्मियों में तो जरूरी लगा लेना है प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ पर्पल का, बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये, बहुत ही लॉन्ग स्टे करता है। आपके पास जो भी प्राइमर हो आप ले लो, और इस तरह से लेने के बाद ये मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है हैंड पे, इस तरह से प्राइमर दिखता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे प्राइमर भी आ रहे हैं जिसमें सिमर मिला होता है, लगाने के बाद स्किन चमकेगी, आप वो वाला भी ले सकते हो, पार्टी वेयर लुक के लिए सही है वो। फेस पे टैप टैप कर लेना है इसे भी इस तरह से, ये रगड़ना नहीं है हमें, क्रीम की तरह मॉइस्चराइजर की तरह ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे स्प्रेड करना है। इसको छोड़ देंगे हम 2 मिनट के लिए। प्राइमर लगाने से क्या होता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना ये इससे बंद हो जाते हैं और हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल फाउंडेशन लगाने के लिए रेडी हो जाती है। कोई भी जैसे फेस पे दरारें होती है ना छोटी छोटी, वो बंद हो जाती है, जब भी हम फाउंडेशन लगाएंगे तो वो उसमें भरेगा नहीं और एकदम स्मूथ होके आएगा फाउंडेशन। मेकअप के लिए तैयार है अब हमारी स्किन। यहाँ तक हमने 5 प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं। पहले ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, आप इस तरह का ब्लेंडर ले सकते हो, यहाँ से फ्लैट होता है, इससे आप इस तरह से लगाओगे, और ये आईज के लिए और ये पूरे फेस पे इस तरह से इससे बहुत इजीली लग जाता है। मैं यही वाला ब्यूटी ब्लेंडर रिकमेंड करूंगी, अच्छा होता है। पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, इस तरह का स्पंज भी है ना, आप उससे भी फाउंडेशन लगा सकते हो, या अंडर आईज के लिए ऐसे 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 करने के लिए फाउंडेशन, या तो आप इस तरह से ब्रश ले सकते हो, इस तरह से बड़ा ब्रश, इससे भी आप फाउंडेशन इस तरह से लगा लेना, आराम से लग जाएगा। तो पहले हमें पानी ले लेना है एक कटोरी में, देखो मैंने पानी ले लिया है, हमें ब्यूटी ब्लेंडर को इसमें डाल देना है ऐसे करके 15 से 20 मिनट या 10 मिनट भी, ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह से गीला है और ये देखिए इस तरह से इतना बड़ा साइज हो गया है इसका। हमें इस तरह से इसको निचोड़ लेना है अच्छे से, पानी नहीं टपकना चाहिए इसमें से, पर एकदम से इतना भी नहीं निचोड़िए कि वो सूख ही जाए, बस निचोड़ लीजिए, हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए इसमें, गीलापन। पानी में कितना बड़ा हो गया ये, उससे पहले ये इतना बड़ा था, ये देख लो आप, ये पानी में भीगने से पहले है और ये पानी में भीगने के बाद है, इसका साइज डबल हो जाता है पानी में जाने के बाद, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा गाइस। जरूर इसको पानी में भिगाना है, पानी में नहीं भिगाओगे तो उससे जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो सूखा सूखा जगह जगह दिखेगा, जगह जगह उखड़ा उखड़ा दिखेगा और उसमें भर जाएगा ढेर सारा। आप जब भी इसको गीला करके लेते हो ना, तो जितना हमें फेस पे चाहिए होता है फाउंडेशन उतना फेस पे रहता है, बाकी इसमें आ जाता है, और सूखा लेंगे तो पूरा का पूरा फाउंडेशन सोख लेगा वो, तो इसलिए हमें सूखा कभी भी यूज नहीं करना है ब्यूटी ब्लेंडर, हमें गीला करके ही यूज करना है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करना चाहते, ब्रश यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस तरह से टोनर ले लो, रोज वाटर ले लो, या मेकअप फिक्सर ले लो तो ज्यादा बेटर है, इस तरह से स्प्रे कर लो उस पे, इस तरह से ब्रश पे स्प्रे करना है। ब्रश को थोड़ा गीला होना चाहिए, ब्रश को सूखा नहीं होना चाहिए, तब आप फाउंडेशन लगाएंगे इस तरह से।
फाउंडेशन लगाने से पहले आपको कलर करेक्टर लगाना चाहिए। प्रॉब्लम वाली स्किन के लिए कलर करेक्टर की वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो अभी मैं ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ। ऑरेंज शेड जहाँ जहाँ हमें काले काले धब्बे होते हैं ना, ये देखिए बहुत काला काला हो रहा है मेरा, यहाँ यहाँ लगा लेना है। जहाँ पे काला काला है ना वहां पे लगा लेंगे, और यहाँ पे भी लगा लूंगी थोड़ा सा। ये देखिए कितना काला है यहाँ पे, इस तरह से कर। आप चाहो फिंगर से भी कर सकते हो ऐसे, ये देखो फिंगर से भी सेम वही रिजल्ट आएगा। फिंगर से और जल्दी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये उन एरिया पे लगाया जाता है जहां जहां डार्क सर्कल है। आप इनको अगर हाइड नहीं करोगे तो फाउंडेशन में से थोड़ा हल्का हल्का काला बन सा। बट ऐसे फाउंडेशन भी आते हैं जिसमें 2-in-1 होता है, कंसीलर भी होता है, फाउंडेशन भी होता है। उस फाउंडेशन को लगा लोगे तो आपको ये सब करने की जरूरत ही पड़ेगी, कलर करेक्टर। वो फाउंडेशन मतलब महंगे आते हैं थोड़े, जैसे मैक का हो गया या फिर और भी ऐसे ऐसे महंगे महंगे फाउंडेशन है जो 3000 के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अब बारी है फाउंडेशन की। फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ स्टील पेरिस का, आप इसको कई बार मेरी वीडियो में देख चुके हैं। कोई भी फाउंडेशन ले लो, एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए, से एक टोन लाइट होना चाहिए या 2 टोन ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा लेंगे तो लगेगा कि पुट्टी लगा लिया है आपने, व्हाइट व्हाइट सा लगेगा, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप ये चीज समझ गए ना, फाउंडेशन हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्यादा गोरा दिखने के चक्कर में वो व्हाइट तरह का फाउंडेशन ले आते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब जो ब्राइट होता है वो वाला फाउंडेशन ले आएंगे, और उसके बाद जब लगाएंगे तो बोलेंगे ये क्या कैसे भूत जैसे लग रहे हैं, फिर उसको पोछते डोलेंगे, पूरा मेकअप खराब कर देंगे इस चक्कर में। इस तरह से देख लो मेरी स्किन से 1 टोन लाइट है बस ये। तो वो सस्ते में कोई मेकअप करना चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। एलोवेरा जेल 10 रुपए वाला मॉइस्चराइजर, एंड जो बीबी क्रीम आती है ना 10 रुपए की 15 रुपए की, वो लगा लो फाउंडेशन की जगह, आपका मेकअप लुक तैयार हो जाएगा। बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ब्लेंड करेंगे मतलब टैप 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 करेंगे। अब इसको इस तरह से एक जगह से उठा के ऐसे दूसरी जगह ले जाना है, ये खींचना नहीं है जरा भी। खींच देंगे तो वो लुक नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, खींचा खींचा लगेगा, फिर जगह जगह दरारें बन जाएंगी और वो पोछ जाएगा, वहां से लगेगा नहीं। तो हमें फाउंडेशन इस तरह से लगाना है, खींचना नहीं है कभी। तब कितने अच्छे से लग गया है। अब मैं इसको ब्रश से दिखाती हूँ, बट मेरे हिसाब से ब्यूटी ब्लेंडर ज्यादा बेटर है। ब्रश से देख लो, बिगिनर मत लगाना ब्रश से। ब्रश से क्या होता है, कहीं कहीं पे जब ब्रश से लगाते हो ना तो ब्रश की लाइनें दिखने लगती हैं। इस तरह से अंडर आईज पे ऐसे ऐसे कवर करना है पूरा। लोग इसका ब्रश का अच्छा लग रहा है या ब्यूटी ब्लेंडर का। आंखों के नीचे नीचे वाला फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, और इस तरह से ये जो गोल वाला हिस्सा है इससे हम पूरी आईज पे ऐसे ऐसे करते हैं, और पूरे पे इस तरह से ब्लेंड करते जाओ। पूरे पे लगा लेना है, और दोनों इस पे लगा लूंगी। स्मूथली लगा हुआ है मेरा फाउंडेशन। आप चाहते हो और अच्छी बेटर कवरेज आए, तो इतना महंगा फाउंडेशन तो नहीं है ये, तो आप इसको दोबारा भी लगा सकते हो। इस तरह से वही फाउंडेशन लिया, फिर से लगाऊंगी। चुका है मेरी स्किन फाउंडेशन के बाद ऐसी लग रही है। इसमें कंसीलर लगाना है हमें, और जो हम फाउंडेशन लगाते हैं वो 1 टोन लाइट होता है, और ये कंसीलर 2 टोन लाइट होता है। इससे ही हमारे जो ये अंडर आईज एरिया है उभर कर आते हैं, मतलब जिन पे शेडो पड़ती है ना, जो अंदर घुसे घुसे एरिया होते हैं उन पे हम ये कंसीलर लगाते हैं। यहाँ पे देखो घुसे घुसा एरिया है, यहाँ पे लगाते हैं। ये देखो यहाँ पे गड्ढे टाइप के जो एरिया होते हैं ना, उनपे ये कंसीलर लगाया जाता है। तो इस तरह से ये देखो ये हो गया। नोज पे हमें इस तरह से लगा लेना है ये। आप कहोगे ये तो घुसा घुसा एरिया नहीं है, बट ये नोज को फ्लैट दिखाने के लिए, पतला दिखाने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर जरूर लगा लेना है आईब्रोज के ऊपर नीचे। आईब्रो शेप इससे बना लेनी है हमें बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी आईब्रो लगेंगी अगर आप इस तरह से कंसीलर लगा लोगे आईब्रो के ऊपर नीचे। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आई बटन पे शो रहा होगा। इस तरह से भी लगा लेना है हमें, देखो ऐसे ऐसे इस तरह से। हाईलाइट कंसीलर भी लग गया है हमारा। अब देखो कुछ हिस्से मेरे उभर के आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद। देखिए मेरी नोज कितनी यहाँ से उभर के आ रही है उस कंसीलर की वजह से। कॉम्पैक्ट लगा लेना है हमें ये कंसीलर लगाने के बाद। आप चाहो क्रीम वाला भी कॉन्टोर लगा सकते हो यहाँ पे पहले ही, बट मैं पाउडर वाला कॉन्टोर लगाऊंगी, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। ऐसे ऐसे करके लगाना है हमें पाउडर,
तो कॉम्पैक्ट भी लग गया है। उसके बाद हमें मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करना है, तो अभी अभी न्यू लॉन्च हुआ है NY का ये वाला सेटिंग स्प्रे, इसे डाल लेना है ऐसे लेके इस तरह से। बाद हमें सेटिंग स्प्रे यूज करना है और जब पूरा मेकअप हो जाता है उसके बाद हम मेकअप फिक्सर यूज करते हैं। दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे तो भी काम चलेगा। तो मैंने यहाँ सेटिंग स्प्रे डाल लिया है, तो मेरा जितना भी बेस है ना अब ये लॉन्ग लास्टिंग हो गया है, टिके रहेगा और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी यूज करे हैं और टाइम देकर यूज करे हैं। तो ये जो मेकअप है ये मेरा अब 24 घंटे तक हिलने वाला नहीं है, जैसे का तैसा ही रहेगा। तो फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद हमें सेटिंग स्प्रे लगाना है और उसके बाद कॉम्पैक्ट लगा लेना है और उसके बाद हमें पूरा मेकअप स्टार्ट करना है, अपनी आईब्रोज का, अपनी आईज का एंड लिपस्टिक जो भी करना चाहो जैसा करना चाहो। तो रेडी है हमारा फेस मेकअप करने के लिए। मेकअप के बाद मेरा फेस कैसा दिखने वाला है मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने ज्यादा मेकअप नहीं किया है, बस आईब्रो फिल कर ली है और लिपस्टिक लगा ली है। देखिए आईज पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, आप देख लो फिर भी इतना मेकअप अच्छा लग रहा है। आप पार्टी में जा रहे हो तो थोड़ा हैवी मेकअप कर लो। ये तो बस मैंने ऐसे ही वीडियो में थोड़ा शेयर कर दिया, इतना कुछ कर लिया है तो ये भी फिल करके दिखा ही देती हूँ कैसा लगता है। तो गाइस आज बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये वीडियो मैंने बहुत ही ज्यादा गर्मी में शूट किया है, मैंने फैन नहीं चलाया है जिससे कि मेरी आवाज साफ आ सके, क्लियर आ सके। अगर फैन चलता है ना तो उसकी फैन की आवाज आती रहती है टिक 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 टिक, तो वो चीज नहीं चाहती थी मैं, बीच बीच में आप डिस्टर्ब हो जाओ। एकदम गर्मी में मैंने मेकअप किया है, ये देख लो यहाँ पे कितना पसीना आ रहा है, भीगे जा रहा है मेरा सर, फिर भी मेरा मेकअप देख लो आप कितना फ्लॉलेस लग रहा है, बह नहीं रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मैं झेल नहीं पा रही हूँ गर्मी। मेकअप जब भी आप कर लो लॉन्ग लास्टिंग या कैसा भी, उसको आप रिमूव करना मत भूलना। अगर पार्टी में से आ चुके हैं पर मेकअप उतारना मत भूलना, मेकअप लगा के कभी मत सोना, नहीं तो आपको ये प्रोडक्ट रात भर में हार्म कर सकते हैं। रिमूव करके वॉश करके क्लीन करके सोना चाहिए। आप कुछ भी देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं अगर मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं वो वीडियो कर पाऊंगी तो जरूर आपके लिए शेयर करूंगी। कमेंट कीजिएगा, मैं 10 रुपए वाला मेकअप भी शेयर करूंगी, आपके कमेंट की देर है। आप मुझसे बोले तो 10 रुपए वाला मेकअप भी शेयर कर दूं। मेरे दिमाग में बहुत सारे खुरापाती आइडियाज आते रहते हैं मेकअप को लेकर कि मैं ये करूं वो करूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पसंद आ गई है तो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो शेयर जरूर कर देना जिससे और लोग भी इस तरह की वीडियो देख के सीख सके। और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो आप देख सको, जब भी मैं पोस्ट करूं आपको सबसे पहले मिल सके उसका नोटिफिकेशन। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मैं जल्दी आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।